नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले की बैकुंठपुर पुलिस ने कल कक्षा 12वीं की छात्रा के अपहरण और 1,00,000 रुपए फिरौती मांगे जाने के मामले में सनसनीखेज खुलासा किया है। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद छात्रा ही निकली है। पुलिस ने पूछताछ के बाद छात्रा को परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। मैं आपको बता दें, कल सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई थी जब बैकुंठपुर थाना क्षेत्र से एक कक्षा 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा के अपहरण कर फिरौती मांगे जाने का मामला प्रकाश में आया था, जिसके बाद छात्रा लावारिस हालत में हरदी मोड़ के समीप मिली थी। पुलिस ने उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। छात्रा के मानसिक स्थिति ठीक होने के बाद पुलिस ने पूछताछ के दौरान सनसनी केस खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक छात्रा का उसके युवक दोस्त से विवाद हो गया था, जिसके चलते छात्रा घर से पिता का मोबाइल लेके खुद चली गई थी और खुद ही भाई के मोबाइल में 1,00,000 रुपए फिरौती मांगे जाने के लिए मैसेज किया था। वही मेडिकल रिपोर्ट में भी यह बात सामने आई है कि छात्रा के साथ ना ही कोई घटना हुई है और ना ही छात्रा अचेत हुई थी। इस पूरे मामले के खुलासे के बाद पुलिस ने छात्रा को परिजनों को सुपुर्द कर दिया है और मामले में जांच में लिया है।